ओके, तो बेस्ट 144 Hz गेमिंग मॉनिटर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टॉप 5 मॉनिटर जो कि अराउंड 15-20,000 के रेंज में आता है। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपको मॉनिटर के बारे में काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मॉनिटर बताने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट को लेकर बात करते हैं। तो नंबर 1, रिफ्रेश रेट कम से कम 144 Hz होने वाला है। नंबर 2, रिस्पॉन्स टाइम कम से कम 1 मिलीसेकंड का होना चाहिए, एंड अगर 0.5 मिलीसेकंड का होगा तो काफी अच्छी बात है। नंबर 3, IPS पैनल होना चाहिए, नो TNVA पैनल, बिकॉज 15-20,000 की रेंज में मेरे हिसाब से IPS पैनल मस्ट होना चाहिए। एंड व्हाई IPS पैनल, बिकॉज IPS पैनल का व्यू एंगल एंड कलर काफी अच्छा होता है कंपेयर टू बेसिक TN एंड VA पैनल, सो दैट्स व्हाई IPS पैनल मस्ट। नंबर 4, कलर। अगर आप एडिटिंग प्लस गेमिंग दोनों काम एक ही मॉनिटर पे करने वाले हो तो मेरा रिकमेंड है कि आप कम से कम 100% sRGB वाला पैनल को कंसीडर करो, बिकॉज कलर ग्रेडिंग रिलेटेड काम करने के लिए इस टाइप का पैनल काफी अच्छा होता है। अगर किसी मॉनिटर पे 100% DCI-P3 है तो आप उस मॉनिटर को ज्यादा प्रेफर करो। नंबर 5, HDMI पोर्ट मस्ट होना चाहिए, अगर एक से ज्यादा HDMI पोर्ट होगा तो काफी अच्छा है। नंबर 6, अगर डिस्प्ले साइज को लेकर बात करें तो आप खुद डिसाइड कर लो, बट मेरे हिसाब से कम से कम 27 इंच का होना चाहिए। एंड लास्ट एक बात और, आप किसी भी ब्रांड का मॉनिटर ले लो, मेक श्योर उसका सर्विस नेटवर्क अच्छा हो, कम से कम इस प्राइस पॉइंट पे 3 इयर्स का वारंटी भी होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का कुछ भी भरोसा नहीं, आज ठीक है तो कल खराब हो सकता है। सो इसलिए एक अच्छा ब्रांड को कंसीडर करना भी जरूरी है। आप इस पॉइंट को अपना लोकल में थोड़ा देख लेना कि किस ब्रांड का सर्विस नेटवर्क सबसे अच्छा है, बिकॉज हर एक ब्रांड का ऑन द ग्राउंड सर्विसिंग नहीं होता है। ओके, तो ये सब मेन पॉइंट देखने के बाद अपना फाइनल डिसीजन लेना। तो आप बात करते हैं टॉप 5 मॉनिटर को लेके। बाय द वे, ऑल मॉनिटर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप करंट प्राइस वगैरह चेक कर सकते हो, एंड अगर प्राइस ठीक ठाक रहा तो आप ऑर्डर भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कंसीडर सब्सक्राइब। ओके, तो पहले नंबर पे आता है LG का अल्ट्रा गियर 24G N650। ये एक 24 इंच का मॉनिटर है, FHD IPS पैनल के साथ आता है, एंड रिफ्रेश रेट की बात करें तो 144 Hz है, उसी के साथ 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, एंड इसमें 99% sRGB आता है विद HDR10। अगर पोर्ट की बात करें तो 2 HDMI, 1 DP पोर्ट एंड 1 ऑडियो आउटपुट है। उसी के साथ बॉक्स में हाइट एडजस्टेबल स्टैंड भी आता है। तो ओवरऑल काफी अच्छा मॉनिटर है, काफी वैल्यू फॉर मनी मॉनिटर है, मैं इसे डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। अगर प्राइस के पास देखोगे तो अमेजोन के अंदर नॉर्मल डे पे अराउंड 15,000 का मिलता है, लेकिन आप अगर ऑफर में लोगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी बेस्ट सेलर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप एक बार चेक कर लेना। ओके, आप बात करते हैं सेकंड मॉनिटर को लेकर। तो है SR का Nitro VG240YS। ये मॉनिटर 23.8 इंच का FHD IPS पैनल के साथ आता है, एंड अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो 165 Hz का है, एंड उसी के साथ 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम आता है। साथ में AMD का फ्री सिंक है, 2 HDMI पोर्ट है, 1 DP पोर्ट है, एंड इसे आप 5° to 15° टिल्ट कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक मॉनिटर है। अगर बात करें प्राइस की, तो ये वाला मॉनिटर आपको अमेजन के अंदर मिल जाएगा अराउंड 16,500 की नॉर्मल डे पे, लेकिन आप अगर ऑफर में लोगे तो आपको अंडर 15 के देखने को मिलेगा। ओके, तो आप बात करते हैं थर्ड मॉनिटर को लेके। तो है ऐसा Nitro VG241YX। ये भी नाइट्रो सीरीज का है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अगर बात करें डिस्प्ले साइज की, तो इसमें 23.8 इंच का डिस्प्ले आता है FHD IPS पैनल के साथ। रिफ्रेश रेट इस मॉनिटर में सबसे ज्यादा है, 240 Hz का रिफ्रेश रेट आता है, एंड इसे ओवरक्लॉक भी कर पाओगे अप टू 270 Hz तक। एंड अगर रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो 0.5 मिलीसेकंड का है। उसी के साथ HDR400 आता है जो की काफी अच्छा है, एंड 2 HDMI पोर्ट आता है, 1 DP पोर्ट आता है। तो ओवरऑल काफी अच्छा मॉनिटर है, स्पेशली 240 Hz विद HDR400, तो काफी अच्छा पैकेज बन जाता है। एंड अगर प्राइस की बात करें तो ये वाला मॉनिटर आपको अमेजोन के अंदर अराउंड 22,000 का मिलेगा नॉर्मल डे पे, लेकिन आप अगर ऑफर में लोगे तो आपको अंडर 20 का मिल जाएगा। ओके, तो आप बात करते हैं फोर्थ मॉनिटर को लेकर। वो है गीगाबाइट की तरफ से GIGABYTE G24F। इसका 2 वेरिएंट आता है, एक है 23.8 इंच का और एक है 27 इंच का। बाकी सब स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, एक में 165 Hz का रिफ्रेश रेट है और एक में 144 Hz का रिफ्रेश रेट है। बट ये वाला डिस्प्ले कलर ग्रेडिंग के लिए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसमें DCI-P3 90% आता है, यानी 120% sRGB, तो काफी अच्छा मॉनिटर है फॉर एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग पर्पस। अगर प्राइस की बात करें तो 23.8 इंच का वेरिएंट आपको अराउंड 16,800 का मिलेगा नॉर्मल डे पे, एंड अगर 27 इंच की बात करें तो अमेजोन के अंदर अराउंड 19,000 का मिलेगा, लेकिन आप अगर ऑफर में लोगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, तो आप बात करते हैं फिफ्थ मॉनिटर को लेकर। तो है MSI का Optix G421। ये मॉनिटर भी दो अलग अलग वेरिएंट पे आता है, एक है 27 इंच का और एक है 24 इंच का। बाकी सब स्पेसिफिकेशन सेम टू सेम है, FHD IPS 144 Hz का रिफ्रेश रेट, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, AMD फ्री सिंक, 1 HDMI पोर्ट। तो डिफरेंस जो है वो सिर्फ डिस्प्ले साइज का है। तो आप इस मॉनिटर के पास डेफिनेटली देख सकते हो, काफी अच्छा मॉनिटर है प्राइस के अकॉर्डिंग। 24 इंच का प्राइस है अराउंड 17,000 एंड 27 इंच का प्राइस है अराउंड 19,000, तो प्राइस के हिसाब से ओवरऑल काफी अच्छा है। बाकी इसी के साथ मैं कुछ और मॉनिटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप एक बार चेक कर लेना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।